स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में, मैं हूं मुस्कान। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, पर सियासी बातचीत और केंद्रीय मंत्रिमंडल यहां आना जाना जैसे आम सी बात हो रही है। कुछ ही दिन पहले बंगाल के राजनीतिक में बदलाव लाने वाले जैसे घटना भी अमित शाह के दौरे पर किए गए हैं। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी यहाँ का दौरा किया। वेस्ट बंगाल के बानकुड़ा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बात करते हुए कहा कि बंगाल में लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा और यदि कोई जन प्रतिनिधि निर्णय लेता है तो उस पर हमले की निंदा भी शिकार हो रहे। यहां पर तो लोकतंत्र का अपहरण भी किया जा रहा है और कहा कि झारग्राम में पिछले 10 वर्षों से यहां कोई विकास का काम नहीं हुआ है, सिर्फ इन्हें नजरअंदाज किए जाने की बात कही गयी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज बंगाल में बांकुड़ा में हम आए हैं और एक चिंता जाहिर करते हुए कि भारत का यह प्रदेश पश्चिम बंगाल जहाँ लोकतंत्र का अवमूल्यन लगातार हो रहा है, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और उसका उदाहरण आपके सामने है कि पिछले दिनों जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उनके ऊपर में हमला हुआ, उनके गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई और क्षतिग्रस्त किया गया। लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता है क्योंकि एक जनप्रतिनिधि सांसद अपने मर्जी से यदि कोई फैसला करता है तो उस फैसले के आधार पर किसी के द्वारा इस तरह का हथकंडा अपनाया जाना, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी हालत से यदि हम कहें कि निंदनीय है तो वो कम शब्द होगा। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस समय लोकतंत्र हाईजेक हो रहा है, जगह जगह में घटनाएं घट रही है, राजनीतिक घटनाएं घट रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमला हो रहा है।